सर्कुलर अरेंजमेंट का फर्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम सिंपल सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जांपल है, यहां पे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहां पर स्टेटमेंट्स है एम एन आर टी डब्ल्यू एफ पी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर। तो यहाँ पर हमें एम एन आर टी डब्ल्यू एफ पी एंड एच, यहाँ पर हमें 8 पर्सन दिए हुए हैं जो एक सर्कल के अराउंड में बैठे हैं, इनका फेस जो है वो सेंटर में है। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। एम के लेफ्ट से थर्ड पोजिशन पर है पी, और अब एंड वर्ड यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पर पी की बात हो रही है, तो पी जो है वो टी के राइट से सेकेंड पोजिशन पर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, ये तो सिंपल है कि पी के राइट से सेकेंड पोजिशन पर है एन। नेक्स्ट है आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट से सेकेंड है आर, ठीक है। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, अब फिर से यहाँ पर हु वर्ड यूज हुआ है, हु वर्ड यहाँ पर यूज होगा, हम इमीडिएट प्रोसीड पर्सन की बात करेंगे तो इमीडिएट प्रोसीड पर्सन यहाँ पर W है, तो W इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M, M के राइट से सेकेंड पर है W। और लास्ट स्टेटमेंट है F इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ P, तो जो F है वो P का इमीडिएट नेबर नहीं है यहाँ पर। तो हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं और हम सर्कुलर अरेंजमेंट बनानी शुरू करते हैं, और फिर उसके बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमें ये तो क्लियर है कि 8 पर्सन है और उन सबका फेस सेंटर में है, तो ये सर्कुलर टेबल, ठीक है, 8 पर्सन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। आप इस तरह से 8 पर्सन को मार्क कर सकते हो, अगर 6 पर्सन होते तो हम 6 पर्सन को मार्क करते, अगर 5 होते हैं तो 5, जितने भी नंबर ऑफ पर्सन हमें दिए होंगे हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। अब 8 पर्सन है यहाँ पर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, M के लेफ्ट से जो P है वो थर्ड पोजीशन पर है। अब सबके फेसिंग यहाँ पर सेंटर में है, तो हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। M के लेफ्ट से थर्ड पर है तो यहाँ पर बॉटम में M आएगा, क्योंकि M का लेफ्ट और राइट दिया गया हमें, तो M के लेफ्ट से P थर्ड पोजीशन पर है, तो M का लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में P आएगा थर्ड पोजीशन पे, तो 1, 2, 3 P की पोजीशन होगी यहां पर, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हम अरेंज कर चुके हैं, M और P को हम यहाँ अरेंज कर चुके हैं। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, यानी कि यहाँ पर पी की बात हो रही है, पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। अब अगर हम ये टी की बात करें तो स्टेटमेंट ये भी हो सकती है कि टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर इन्वेंट में, तो अगर हम इसके लेफ्ट की बात करें तो सेकेंड पोजिशन पर है टी, फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 एंड 2, तो यहाँ पर आएगा टी, ठीक है। और अब हमें पता है कि जो टी की राइट पोजीशन है वो ये है, तो 1 एंड 2, सेकेंड पोजीशन पर है यहाँ पर पी, ठीक है, तो हमने यहाँ पर टी को अरेंज कर दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, अब हमें एन को अरेंज करना है जो कि पी के राइट से सेकेंड पोजीशन पर है, तो पी, पी का राइट पोजीशन होगा ये, ठीक है, ये इसका लेफ्ट पोजीशन है और ये राइट पोजीशन है, ये इसकी राइट साइड है, तो राइट से सेकेंड, 1 एंड 2, तो एन आएगा इस पोजीशन पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। फर्स्ट है कि आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, आर जो है वो डब्ल्यू की पोजीशन से सेकेंड पे है, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पे डब्ल्यू की पोजीशन नहीं पता, इसे हम छोड़ देते हैं, थोड़ा बाद में उठाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, अब हु कौन है यहाँ पे, हु है यहाँ पर W, तो W इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M, तो अब हमें M पता है और जो W है वो M के राइट से सेकेंड पोजीशन पर है, तो M की राइट ये है, इसकी लेफ्ट साइड है और ये
राइट साइड है, क्योंकि फेस इनका सेंटर में है तो हमें यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन है वो देखना आसान है। ठीक है, तो राइट साइड ये है इसकी और यहाँ से राइट पे सेकंड पोजीशन पर है, तो 1 और 2 यहाँ पर है W। ठीक है, अब हम पिछली स्टेटमेंट पर आते हैं कि R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, तो इसका लेफ्ट एंड ये राइट। ठीक है, तो सेकंड टू द राइट ऑफ W, तो 1 और 2 सेकंड पोजीशन पर आ आएगा। क्लियर है ये स्टेटमेंट? लास्ट स्टेटमेंट है F इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ P। अब अगर हम यहाँ देखें अरेंजमेंट में तो P की पोजीशन ये है और हमारे पास यहाँ पर दो ही पोजीशंस है जो पेंडिंग है। ठीक है, और हमें मेंशन किया गया है कि जो F है वो P के का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि F यहाँ पर नहीं आएगा। अगर F यहाँ नहीं आएगा तो ऑब्वियस है कि F यहाँ पर आएगा। अब F यहाँ पर आया तो हमारे पास एक ही पोजीशन बची और हमारे पास एक ही पर्सन यहाँ पर रह गया होगा जो कि है H। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन होगी H की। तो अब हम यहाँ पर इन 8 पर्सन्स को अरेंज कर चुके हैं जिनका फेस सेंटर में है, और अब हमें इनकी पोजीशंस पता है कौन किसके लेफ्ट में और कौन किसके राइट में है, चाहे वो सेकंड टू द राइट है चाहे वो थर्ड टू द राइट है। ठीक है, तो हमें अभी सबकी पोजीशंस यहाँ पर पता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिए हुए हमें, तो हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी है ये तो इसका इमीडिएट राइट कौन है। अब पी का लेफ्ट ये है क्लॉकवाइज और राइट है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जो इमीडिएट मतलब बिल्कुल साथ में जो पर्सन है राइट में वो है एच, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है राइट आंसर एच। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच, तो H का लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है। ठीक है, तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट है। ठीक है, तो राइट से थर्ड 1, 2 और 3, तो राइट से थर्ड पोजीशन पर है F, तो ऑप्शन डी यहाँ पर है राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ F, तो F के राइट से, F का राइट दिस साइड, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड, तो सेकंड 1 और 2, तो यहाँ पर जो टी है वो है इसका राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पेयर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पहला पर्सन दूसरे पर्सन के यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट में है। ठीक है, हमें ऑप्शन दी हुई है पी एंड आर, पी एंड आर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग पी एंड आर, और अगर हम यहाँ देखें कि जो सेकंड पर्सन का लेफ्ट, अगर सेकंड पर्सन आर है यहाँ पर, ये लेफ्ट नहीं है ये राइट है, लेकिन इसका लेफ्ट ये है और इसका इमीडिएट लेफ्ट पर्सन जो है वो है टी, तो यहाँ पर ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है एच एंड पी, एच एंड पी, अगर सेकंड पर्सन यहाँ पर पी है तो फर्स्ट पर्सन इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए, लेकिन ये पी की राइट साइड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर एन और एम, एन और एम, एम यहाँ पर अगर सेकंड पर्सन है तो इसका लेफ्ट देखें तो इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पर है एन, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि फिफ्थ ऑप्शन में से कोई एक ही राइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ एम, तो हमें यहाँ पर नीचे पेयर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इमीडिएट नेबर है एम का। तो अगर हम एम का इमीडिएट नेबर देखें तो एन है और एफ है। ठीक है, तो यहाँ पर एन और एफ फोर्थ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए थे, अगर आप अरेंजमेंट करना सीख लेते हो कि किस पर्सन की क्या पोजीशन है, अगर आप राइट पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हो तो आपके लिए जो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सिंपली आप ध्यान रखिए कि पर्सन का फेस सेंटर में है या आउटवर्ड, तो सेंटर के हिसाब से लेफ्ट राइट चेक कीजिए, और अगर आउटसाइड है तो उसके हिसाब से लेफ्ट राइट चेक कीजिए। ठीक है, तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप कुछ ही सेकेंड्स में इनके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सके।